हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल यूपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो इन्वर्टर वाले फ्रिज होते हैं इनमें कार्ड लगा हुआ होता है, ये ख़राब हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखें लास्ट तक, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं जो इन्वर्टर वाले फ्रिज होते हैं ये और इन्वर्टर से चलते हैं दोस्तों, इनके कार्ड जल जाते हैं हाई वोल्टेज पर। वैसे बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, बहुत कम वाट ये लाइट लेते हैं और ये इन्वर्टर पे भी चल जाते हैं, जो 1000 वाट का होता है, 500 वाट का, उस पर भी अच्छे चल जाते हैं। ये LG कंपनी का है दोस्तों, हाई वोल्टेज की वजह से ये देख सकते हैं आप, ये कार्ड जल चुका है। तो दोस्तों, इसको चेंज करना है या इसको ही रिपेयर करके डलवाना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये कुछ IC इसकी जली हुई हैं, तो ये चेंज होने में तो दोस्तों बहुत ही पैसे लग जाएंगे इसमें। अगर आपका भी ख़राब हो चुका है ये, तो दोस्तों आप चेंज करवा लीजिए। दोस्तों, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कितने रुपए का मिल जाता है ये कंपनी का अच्छा। और दोस्तों, इस फ्रिज से ये फ़ायदा है कि ये बहुत कम लाइट खाएगा, ये इन्वर्टर वाले फ्रिज बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही बेहतरीन चलते हैं ये, इसकी कूलिंग भी अच्छी होती है। दोस्तों, ये कार्ड होता है इसका, PCB भी बोलते हैं इसको, और ये इसका कार्ड भी बोल देते हैं, ये लगा हुआ होता है उसमें। तो दोस्तों, ये जो है ये ख़राब हुआ कार्ड है, तो ख़राब हो चुका है, इसकी IC सारी ये जल चुकी है हाई वोल्ट की वजह से, हाई वोल्टेज आ गए थे दोस्तों इसमें, तो इस वजह से ये जल चुका है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला कार्ड लगाना है, ये है LG का, बहुत अच्छा बेहतरीन है दोस्तों। इसको आपको खोल कर दिखाते हैं यहाँ से, ये रहा, देख सकते हैं दोस्तों ये, और हमने ये मंगवाया है दोस्तों, इसको यहाँ से खोल लेंगे और आपको बताते हैं ये कैसा कार्ड होता है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये सेम ऐसा ही है या थोड़ा चेंज है अलग, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल एक ही जैसा है। थोड़ा बहुत दोस्तों इसके कंडेंसरों में फ़र्क है, वरना इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, देख सकते हैं आप, ये इसमें दोनों एक से हैं, ये चीज़ और ये चीज़, और इसके ये स्विच जो होते हैं जहाँ से ये तार लगाए जाते हैं, ये भी एक ही है इसमें, एक ये रहा तो ये रहा, और इसका ये तो इसका ये है, और यहाँ पे ये है तो यहाँ ये है। तो दोस्तों, ये है न्यू LG कंपनी का कार्ड, हमने ये मंगवाया है दोस्तों, और ये 2400 रुपये का दोस्तों हमें आन के पड़ा है, और आप कहीं से ले सकते तो थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो सकता है, पर हमने ये 2400 रुपये का ही मंगवाया है। तो आप भी दोस्तों अपने फ्रिज में कार्ड डलवाना चाहते हैं तो नया डलवा लें, क्योंकि ये रिपेयर होने बहुत भारी पड़ जाते हैं और फिर ये अच्छे से चल भी नहीं पाते हैं दोस्तों। इससे बहुत अच्छे से फ्रिज चलेगा और बहुत ही कम लाइट लेगा ये, और कम वोल्टेज पर भी आपका फ्रिज चल जाएगा। तो ये है न्यू PCB दोस्तों कार्ड जो होता है इन्वर्टर वाले फ्रिज का, जो बिना इन्वर्टर के फ्रिज होते हैं दोस्तों उनमें ये कार्ड नहीं होता है, और इन्वर्टर वालों में ही ये लगाया जाता है दोस्तों। ये फ्रिज बहुत बेहतरीन अच्छे से काम करते हैं इन्वर्टर वाले। अगर आपका भी फ्रिज नहीं चल पा रहा है तो दोस्तों इस तरह का आप कार्ड डलवा सकते हैं, कार्ड चेक करवा सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। दोस्तों, ये फ्रिज में 5 साल चला है और बहुत अच्छे से चला है और चल ही रहा था, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से कोई भी चीज़ होती है वो जल जाती है, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अब हम इसको फिट करेंगे इस कार्ड को, जैसे जैसे आपने दोस्तों इसको हटाया है ऐसे ही इसको लगा लें और बहुत अच्छे से काम करेगा। और दोस्तों, इसकी कुछ टाइम की वारंटी भी आती है, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये वापस हो जाता है। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रिज से रिलेटेड जानकारी मिलती है, क्योंकि फ्रिज कूलिंग क्यों नहीं करता है दोस्तों, और फ्रिज का जो दरवाज़ा है दोस्तों वो बंद नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, कूलिंग कम हो जाती है या गैस कम है फ्रिज में, तो सभी के बारे में दोस्तों हम इसी चैनल पर वीडियो में बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इस जानकारी का पता चल जाए। दोस्तों, यही थी जानकारी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।